डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी सम 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। भारत के संविधान की आत्मा विशेष रूप से प्रस्तावना में मुखर होती है। एक सर्वांगीण राष्ट्रीय क्रांति की सद्भावना के रूप में भारत के संविधान की प्रस्तावना संसार की महानतम कृतियों में से है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की एक कुंजी है। उद्देशिका में चित्रित है कि स्वाधीनता संघर्ष के सेनानियों और संविधान के निर्माताओं की कल्पना का भावी भारत। अतः संविधान की उद्देशिका में संविधान का सार है, दर्शन है। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया गया था। 42 में संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द हैं समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। प्रस्तावना से चार तथ्य स्पष्ट होते हैं, सत्ता का स्रोत, शासन का प्रकार, शासन प्रणाली के लक्ष्य और स्वीकृति एवं क्रियान्वयन की तिथि। बेरुबारीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का कानूनी भाग नहीं है, यद्यपि केशवानंद भारतीवाद में पूर्व निर्णय को बदलते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान का अभिन्न अंग बताया। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, किंतु प्रस्तावना का वह भाग जो बुनियादी ढांचे का भाग है उसे संसद द्वारा बदला नहीं जा सकता। डॉक्टर सुभाष कश्यप के अनुसार संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। गोलकनाथ बेनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने अभिमत व्यक्त करते हुए कहा था कि संविधान की उद्देशिका उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिसके आधार पर सरकार को कार्य करना है, ये संविधान की मूल आत्मा है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश केशवानंद भारती बेनाम केरल राज्य के मामले में कहा था कि हमारे संविधान का प्रासाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है, यदि उनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही रह जाएगा और संविधान अपनी पहचान खो देगा। थैंक यू।